हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी सोल मित्र शबाना एंड वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स रीडिंग की बेसिक क्लास में। टैरो कार्ड्स, जी टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों ने ज़रूर खूब देखी होगी, उसके प्रोग्राम्स देखे होंगे, उसके बारे में सुना होगा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई भी हो और उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे, आंसर्स मिले होंगे, तब भी आज आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको टैरो कार्ड्स क्यों सीखना है। अब जितने भी आप लोग हैं, जो लोग सीखते जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये सोचिए कि टैरो कार्ड्स को सीख कर आप क्या करेंगे। देखिए, कई रीजन हो सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के। एक शौक कि हम भी टैरो कार्ड रीडर बने। दूसरा, सिर्फ जिज्ञासा, एक्साइटमेंट कि टैरो कार्ड्स आखिर है क्या और कैसे काम करते हैं। टैरो कार्ड्स आप एक इंजॉय करने के लिए डेक भी खरीद के लाए होंगे, कई लोग आप में से खरीद के लाए होंगे, जो कि डेक जब आपने खोला होगा उसमें से कार्ड्स निकाले होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है। कई लोगों को ये लगा होगा कि भाई ये तो सिर्फ कार्ड्स हैं, इनको तो शायद खेला जाता होगा और इनमें कुछ होगा नहीं, तो चलो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, ऐसे भी सोचा होगा। या फिर ऑकल्ट की दुनिया में आप कदम रखना चाहते हैं, आपके अंदर वो इंट्यूटिव पावर है, इमेजिनेशन है, आपके अंदर कहते हैं ना वो एक्स फैक्टर है जो आपको प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, वो आपको पुश करता है कि यस आप इंट्यूटिव हैं, आपको फेथ है, आप पॉजिटिव हैं, आप क्लेरवेंट हैं, आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप चीजों को महसूस करते हैं, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ अलग अलग चीजें बताई। पहले तो यही बताई कि पहले आप ही को सोचना है कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग क्यों सीखनी है, कि आपको सीख के अपने को संतुष्ट करना है, आपको ये जानना है, एक्सप्लोर करना है, या आपको एक ऑकल्ट की दुनिया में कदम रखना है और लोगों की लाइफ बनानी है। टैरो कार्ड रीडिंग एक प्रिडिक्टिव साइंस है। देखिए क्लियरली बताते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग एक प्रिडिक्टिव साइंस है जो कि प्रिडिक्शन करती है। टैरो कार्ड रीडिंग कोई जादू नहीं है। टैरो कार्ड्स सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास हैं, आप सबने भी ले लिए होंगे, सेट ऑफ कार्ड्स हैं। इसके अंदर जो कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स, उनके अंदर अलग अलग पिक्चर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग इमेजेस हैं, हर कार्ड कुछ कहता है। ये 78 कार्ड किसी की भी लाइफ की पजल को सुलझाने में 100% सक्षम है, सिर्फ विश्वास चाहिए। बिल्कुल उसी तरह का विश्वास चाहिए जो सड़क के किनारे एक पेड़ है, किसी ने वहां पे एक पत्थर रख दिया और उसके आगे दिया जला दिया और थोड़े से फूल रख दिए और दक्षिणा रख दी। यकीन मानिए, जितने भी लोग वहां से निकलेंगे सब श्रद्धा से सर झुकाएंगे और वहां पे दक्षिणा रखेंगे, फेथ। और वही एक पत्थर कुछ सालों में आगे जाके एक बड़ा सा मंदिर बन जाएगा। ऐसा ही होता है, हम सबके मंदिरों में तस्वीरें होती हैं, या आप कह लीजिए कोई भी रिलीजन के लोग हैं तो अपने जो ईस्ट हैं
उनकी पिक्चरें लगा के, चाहे वो कागज की पिक्चरें हैं या प्लास्टिक पे हैं या फ्रेम करा के या स्टैचूज रख के, उन मूर्तियों में या उन पिक्चर्स में उस एनर्जी को देखते हैं और उस फेथ के साथ, उस फेथ के साथ पूजा करते हैं और उनको वर्शिप करते हैं। और क्योंकि वो वर्शिप करते हैं पॉजिटिविटी और फेथ के साथ, विश्वास के साथ, तो उन मूर्तियों में, उन तस्वीरों में भी जान आ जाती है, प्राण आ जाते हैं और वो बोलने लगती हैं, काम करने लगती हैं डिवाइन के साथ। ये चमत्कार ही है। तो ये जो कार्ड्स हैं, ये कोई कागज के पत्ते नहीं है, ये जो कार्ड्स हैं और इनमें जो कुछ है वो भी आप समझ लीजिए कि आपके पूजनीय है। जब हम टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं और टैरो कार्ड्स अपने हाथ में रखते हैं, तो तभी से ये हमारे लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, फैमिली बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, हमारे साथी बन जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमारे गाइड, हमारे ईष्ट भी बन जाते हैं। तो इनको कभी कागज के पत्तों की तरह नहीं समझना चाहिए, इनको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो सेकेंड वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, नहीं रख सकते तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, फिर टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर तो आप इसको खेलना चाह रहे हैं ना, चलो खेलते हैं, ये ताश के पत्ते नहीं है, ये आपकी जीवन की जो सिचुएशंस हैं उनको क्लियर करते हैं आपके सामने। आपके जो एक होता है ना, आप कश्मकश में रहते हैं, पेशोपश में रहते हैं, करें ना करें, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं, आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटाते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको गाइड भी करते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि वो गाइडेंस आप एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये है टैरो कार्ड्स का रोल। आप सब लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। टैरो कार्ड रीडिंग सीखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ दिल से महसूस करने वाली एक विद्या है। जैसे हम मंदिरों में अपने भगवान की स्थापना करते हैं, वैसे ही आप अपने टैरो कार्ड्स की स्थापना अपने घर में, अपने दिल में, अपने आचार पे करिए। तो सबसे पहला जो मैं आपको आज की जो शुरू हो रही है क्लास, सबसे पहली चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि हम राइडर वेट टैरो कार्ड से आपको सिखाएंगे बेसिक। राइडर वेट कार्ड्स जो हैं, ये ओरिजिनल कार्ड्स हैं, सबसे पहले टैरो कार्ड्स यही हैं। इनकी शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई और कैसे हुई? 16वीं सदी की बात है, 14th, 15th century कह सकते हैं। बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कोई किसी के पास इस बात का क्लियर जवाब भी नहीं है कि ये कब शुरू हुए। इजिप्ट में लोग बॉल गेजिंग करते थे, है ना, क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते थे। और आपको पता है ना, जिप्सीज होते हैं, वो अलग अलग कलाओं में बड़े माहिर होते हैं, तो वो ही अलग अलग पिक्चर्स बना के खेला करते थे। दैट टाइम इट वॉज अ प्लेइंग कार्ड, आज भी प्लेइंग कार्ड चल रहे हैं, तो उस टाइम भी प्लेइंग कार्ड की तरह खेला करते थे। और करते करते जो कुछ उस वक्त जो ऑकल्ट हीलर्स थे या रीडर्स थे, उन लोगों ने इनको प्रिडिक्शन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। जब प्रिडिक्शन के लिए यूज करना शुरू कर दिया तो उनके आंसर सही आने लगे। अब वो तो खुद ही यकायक रह गए, खेलते खेलते उनमें जान आ गई। वही मैंने कहा ना, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अब वो कुछ टाइम खेलते रहे, उसके बाद ये बंद हो गया,
या कह लीजिए वो कुछ और करने लगे। लाइफ में आप जब कुछ करने लगते हैं तो पहले कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब जिस भी एज पे आप हैं, कई लोग काफ़ी एज के हो गए होंगे, कई लोग अभी मिडिल एज में हैं, कई लोग अभी बच्चे ही हैं, कभी बहुत ही यंग हैं, कई बार तो ओल्ड एज में भी मन करता है कि चलो ऑकल्ट में कुछ सीखें, तो सीख सकते हैं। इसके लिए कोई एज बार नहीं है, एज बार जेंडर बार नहीं है, कोई कभी भी सीख सकता है। तो उस वक्त भी जो है उन्होंने कुछ और चीजें ऑकल्ट में अपनानी शुरू कर दी। उसके बाद कह लीजिए कि 17th सेंचुरी में इटली में ये टैरो कार्ड्स एक बार दोबारा से जग जाहिर हुए। उस वक्त पामेला कैमलन एक आर्टिस्ट थी, तो राइडर वेट नामक पर्सन ने पैमेला कॉलमैन को हायर किया। पैमेला कॉलमैन एक आर्टिस्ट थी, एक क्लेरवेंट थी, इंट्यूटिव थी। आप लोग जानते ही हैं जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, क्योंकि वो इमेजिनेटिव होते हैं, इसलिए वो अपनी इमेजिनेशन को कागज पे उतारते हैं। बट ये जो पैमेला कॉलमैन थी, ये जो है कहा जाता है कि ये क्लेरवेंट भी थी, इनको चीजें महसूस होती थी, इमेजिनेटिव थी, इंट्यूटिव थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो टैरो कार्ड्स, राइडर वे टैरो कार्ड्स डेक की जो पिक्चर्स हैं उनको डिजाइन किया, ठीक है, उनको डिजाइन किया, और हर एक कार्ड के अंदर उन्होंने जान डाल दी। आपने अगर राइडर वेट डेक ले लिया है और उसको खोला है, तो उसमें जितनी भी पिक्चर्स हैं आप देखिए, ये उस वक्त के लोग जिस तरह के कपड़े पहनते थे उसी तरह के पिक्चर्स हैं। आज के दौर की साड़ी, सूट, जीन्स, ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए, ना राजा रानियों जैसे हमारे इंडियन नहीं पहने हुए, क्योंकि यहां की इजाद ही नहीं है। तब इनकी इजाद हुई, ये पहला टैरो डेक बना, लोगों ने इससे डेस्टिनी डिजाइन करना शुरू किया, अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने शुरू किए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और तब जो ये शुरू हुआ, आज थ्रू आउट वर्ल्ड धूम मचा दी है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब कई लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ पाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मोस्टली साइंस है और लॉजिक साइंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट समुद्र है, उसको समझने में भी वक्त लगता है। लेकिन राइटर विच जो है एक इंट्यूटिव पर्सन है, तो वो इसको दिल लगा के अगर सीखे तो कह लीजिए कुछ ही क्लासेस में वो बेसिक कोर्स कर लेते हैं। और आपको अब बता दें कि टैरो कार्ड्स क्या क्या कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स आपको क्या होने वाला है ये बता सकते हैं, फिलहाल प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये बता सकते हैं, पास्ट में क्या हुआ ये बता सकते हैं, ठीक है, और आगे जाके क्या होने वाला है ये भी बता सकते हैं। कौन से पर्सन की क्या इंटेंशन है ये बता सकते हैं, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, या बच्चे कैसे होंगे, या हेल्थ कैसी रहेगी, या रोजमर्रा के जो, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी से पूछते हैं ना प्रश्न कुंडली, तो टैरो कार्ड्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। यानी आप जिस वक्त क्वेश्चन पूछेंगे उस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपके कार्ड्स दिख लेंगे और आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल जैसे एस्ट्रोलॉजी में कभी अगर आपने प्रश्न कुंडली कराई हो, क्या होता है कई लोगों के पास अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ये सब नहीं होता, तो वो अपनी कुंडली नहीं बना पाते, तो फिर वो प्रश्न कुंडली बोलते हैं। प्रश्न कुंडली का मतलब होता है कि जिस वक्त भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली कुंडली बनती है और फिर उस पर्सन को आंसर दिया जाता है, जिसका आंसर कि 3 महीने तक वैलिड होता है। ऐसे जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एक तरह के प्रश्न कुंडली होते हैं, उस वक्त ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या समय है, उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स आते हैं और वो बिल्कुल सटीक होते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है ये आपको देखना है, आपको उनको फॉलो करना है नहीं करना है ये आपकी है।
ठीक है। तो ये जो हमारे टैरो कार्ड्स है, 78 कार्ड्स, आपको बेसिक कोर्स में मैं 78 कार्ड्स का मतलब बताऊंगी और वो सब कुछ बताऊंगी कि इनको क्या कहा जाता है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, टैरो कार्ड्स में क्या क्या होता है। कुछ आपको जो है स्प्रेड्स भी बताऊंगी, 3 कार्ड स्प्रेड्स भी बताऊंगी, बाकी सॉल्यूशन भी होते हैं टैरो कार्ड से। अब सॉल्यूशन कैसे होते हैं टैरो कार्ड से? देखिए, टैरो कार्ड्स में नंबर्स होते हैं जो कि न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, राशियां होती हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड भी होते हैं। टैरो कार्ड्स के साथ स्विच वर्ड्स भी होते हैं, टैरो कार्ड्स के साथ क्रिस्टल्स भी होते हैं, टैरो कार्ड्स के साथ हम स्पेल्स भी करते हैं, टैरो कार्ड्स के साथ बहुत कुछ और भी करते हैं जो कि सब आपके एडवांस कोर्स में आता है। टैरो कार्ड से हम कैंडल मैजिक भी करते हैं, तो मोजो बैग में भी यूज करते हैं। तो टैरो कार्ड्स हम बहुत तरह से यूज करते हैं, इनके इनके थ्रू भी हमें जो है सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एडवांस कोर्स करना पड़ता है। अगर तो आप सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि आप अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग करें, अपने जानने वालों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करें, अपने आसपास के लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करें और खुद की गाइडेंस के लिए, तो बेसिक इनफ है। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एडवांस कोर्स जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके पास आएंगे वो इस इच्छा से आएंगे कि हमारे सवाल का जवाब तो मिले, साथ में सॉल्यूशन भी मिले। तो इसलिए अगर आपने सॉल्यूशन भी सीखने हैं तो फिर एडवांस भी करिएगा, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, या इसको यहीं पे करें या आपको थोड़ा सा और बता दें? चलिए और बता देते हैं। टैरो कार्ड्स का ये तो हमने आपको सब बता दिया, इंट्रोडक्शन वगैरह सब समझा दिया आपको। टैरो कार्ड्स को खोलने से पहले, जब पैकेट आप खोल रहे हैं, अभी खोलिए मत, सबसे पहले उसका अल्टर सजाइए। अल्टर वो जगह होती है जहां पे कि आपको अपने कार्ड्स को प्लेस करना होता है, जहां पे कि आपको रीडिंग करनी होती है, कार्ड्स को स्प्रेड करना होता है। और उस अल्टर पे, वो अल्टर कहाँ बनाएंगे? आप कहीं पे भी बना सकते हैं अल्टर, कोई छोटी सी टेबल ले सकते हैं, कोई शेल्फ ले सकते हैं, वहां एक अच्छा सा कपड़ा बिछा सकते हैं, वहां पे 5 एलिमेंट्स आपको रखने हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सोल। यानी एयर कोई भी अगरबत्ती, वाटर कोई भी प्लांट रख सकते हैं, फ्लावर्स, एयर, वाटर, अर्थ कोई भी टिकी चीज, फायर कैंडल, कैंडल इज मस्ट, एंड सोल किसी भी भगवान की मूर्ति, स्टैचू, फोटो, जिनको भी आप मानते हैं आप रख सकते हैं। और टैरो कार्ड्स के लिए एक सुंदर सा प्यारा सा डब्बा, एक अलग से एक कपड़ा जिसके अंदर के आप इसको रैप करेंगे और उस डब्बे में रखेंगे और उसको भी अल्टर पे रखेंगे। तो ये 5 चीजें और ये 6 चीज, इसके साथ साथ थोड़े से कुछ एक क्रिस्टल्स जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। जिस टाइम हम टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम डिवाइन के साथ अलाइंड होते हैं, तो उस वक्त हमारी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि काफी हमको साइकिक अटैक्स हो सकते हैं। इसलिए कुछ क्रिस्टल्स, रॉक सॉइल सॉल्ट, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक सॉल्ट, वो जरूर रखिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने टैरो अल्टर पे जरूर रखनी है। एक बार आपके घर में टैरो कार्ड्स आ गए तो वो फिर आपके हाथ ही उसको टच करेंगे। यानी ये नहीं कि घर में कोई बच्चा भी है तो वो भी टच कर रहा है, कोई आ रहा है वो भी छू रहा है, आपकी मेड है वो आपके अल्टर की सफाई कर रही है और आपके कार्ड्स को भी छू के इधर रख रही है उधर रख रही है,
नेवर डू दैट, नेवर नेवर नेवर, इट्स प्रोहिबिटेड. व्हाई? उनकी एनर्जीज पता नहीं वो कैसे सोच रही हैं, मेड्स वगैरह ये जो सफाई कर रही हैं कैसी हैं क्या है, इसके अंदर वो एनर्जीज आ जाएंगी तो ये दूषित हो जाएंगे. बच्चे बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों के हाथ में ये चीजें नहीं दी जाती हैं. कोई क्लाइंट बिल्कुल नहीं, घर का कोई मेच्योर सदस्य बिल्कुल भी नहीं. इनकी सेवा आपको करनी है. ये सिर्फ आपके हाथ की बोली जाननी चाहिए, क्योंकि इनको आपको बिल्कुल टेम करना है, पेट के जैसे या बच्चों के जैसे, जो सिर्फ आपकी बात माने, आपका हुक्म माने. क्योंकि जितने लोग इनको छुएंगे उतने ये फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे. आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही हो. तो अब आपको क्या करना है, अल्टर बनाना है, डब्बा लेके आना है, अल्टर बना के फिर इन कार्ड्स को आपको अलग रखना है, किसी को छूने नहीं देना है. और अल्टर की सफाई आपको खुद करनी है, किसी और से नहीं करानी है. अगर आप यहाँ अनमैरिड हैं तो मम्मी कर देंगी या दीदी भैया कर देंगे, नो. रिश्तेदार आ रहे हैं तो सबको नहीं दिखाना, देखो जी हम टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं. इनको छुपा के रखना है, नोबडी शुड सी कि टैरो कार्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है ना. बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है इनको, बहुत डेलिकेट होते हैं. तो आज की ये जो मेरी पहला वीडियो है, पहली क्लास है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लिया. और मैं कुछ और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी इसके बाद. इसकी जो सेकंड क्लास मैं आपको पोस्ट करूंगी वो मैं कल करूंगी, उसमें मैं और आपको डिटेल्स बताऊंगी. ये क्लास है पूरी, और जो कुछ ये मैं क्लासेस जो है मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी, जो कि अनलिस्टेड है. यानी कि यूट्यूब पे जरूर मैं पोस्ट करूंगी, बट वो अनलिस्टेड मीन्स उसका लिंक सिर्फ आपको दूंगी, तो सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता उनको. ओके, उसका लिंक सिर्फ आप ही खोलेंगे, आप ही देखेंगे, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते उनको. ये आपके लिए है. और इनके नोट्स मैं आपको दे चुकी हूं, पीडीएफ मैं आपको दे चुकी हूं, जस्ट गो थ्रू देम. फाइन, तो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, और तैयार हो जाइए. राइडर वेट डेक खरीदना है आपने अगर नहीं खरीदा है तो, और जो जो चीजें मैंने की उसकी तैयारी आप कर लीजिए. फिर जल्दी मिलते हैं. थैंक यू सो मच.